नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसए न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और इस वक्त हम मौजूद हैं इटावा जनपद के महेवा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम मड़ौली में, जहां पर एक अवैध वसूली का मामला सामने आया है। यहां आपको दिखाएंगे कि जो तमाम जो ठेले सब्जी के लगे हुए हैं और कई ऐसे ठेले लगे हुए हैं जिनसे अवैध कर यहां पर वसूला जा रहा है, अवैध पैसे की वसूली यहां पर की जाती है। और यहाँ पर जब आकर मौके पर जांच पड़ताल की तो दुकानदारों से तमाम जो रसीदें मिली हुई हैं, जो पर्चियाँ मिली हुई हैं, वो भी हम आपको दिखाएं। उससे पहले आपको बता दें कि जो यहाँ पर जो छोटे दुकानदार हैं, जो अतिक्रमण कहें तो किए हुए हैं, जिसको मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार अतिक्रमण को हटवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण करने के बावजूद उनसे 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से इसकी जाँच पड़ताल की और तब इसका खुलासा हुआ है। अब आपको हम सुनवाते हैं कि ग्राम प्रधान ने क्या कहा है। ग्राम प्रधान ने यहाँ पर जब फोन लाइन पे बात की गई तो ग्राम प्रधान ने कहा है कि हमारे पास लिखित आदेश हैं जो कि सचिव के द्वारा दिए गए हैं, और सचिव ने ये कर वसूलने के लिए कहा है, मीटिंग करके इस तरीके से योजना बनाई गई है। पहले आप ग्राम प्रधान की जो ऑडियो क्लिप है उसको सुनिए, उसके बाद हम आपको सुनवाते हैं सचिव की। हेलो, हाँ भैया, निर्मल सिंह चौहान जी से बात हो रही है। ये बोल रहा हूँ, जो ये आपका ये इलाका, ये क्या नाम एरिया लगता है, इसमें ये जो ठेला लगाए हुए हैं सब्जी के, फल इत्यादि सामग्रियों के, इनसे 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पर्ची काटी जाती है। किस चीज के लिए जाते हैं 10 रुपए? किसके आदेश से? किसके आदेश से लिए जाते हैं रुपए? और तो नहीं लगते, और तो किसी ग्राम पंचायत या किसी पंचायत क्षेत्र में नहीं लगते हैं पैसे। फिर आपके यहाँ ये क्यों लगते हैं पैसे? अच्छा, तो आपका कहना है जिला पंचायत राज अधिकारी के कहने से ये पैसे लगते हैं? जिला पंचायत राज अधिकारी के, ठीक है, जी शासन के आदेश है, बाजार पंचायत में बाजार लग रहा है। चलिए, तो उस बात से हमें कोई समस्या नहीं। यदि आपके पास लिखित आदेश की आप बात कर रहे थे कि आपके पास लिखित आदेश मौजूद है, यदि आपके पास आदेश मौजूद है तो कृपया हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर भेज दें। आप ऐसा करें, हाँ, ग्राम पंचायत अधिकारी के मेंबर से बात कर ले। नंबर है आपके पास उनका? हाँ, नंबर है, नंबर उनका जरा दीजिए। सचिव का कहना यह है क्योंकि ये जो ठेले वाले होते हैं कहीं ना कहीं गंदगी फैलाते हैं, तो इसकी जो साफ सफाई होती है वो ग्राम पंचायत को यहाँ पर करनी पड़ती है, तो इसलिए इस कर को वसूला जा रहा है। फिलहाल आपको ये जो सचिव है, सचिव की भी ऑडियो आपको सुनवा देते हैं। सचिव ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। हाँ जी सर जी, नमस्कार, शैलन सिंह जी से बात हो रही है जी। इटावा से पत्रकार नितिन दीक्षित बात कर रहा हूँ सर। नितिन दीक्षित जी, बता जी। ये बोल रहा हूँ सर, ये आपका जो ग्राम पंचायत मड़ौली लगता है ब्लॉक महेवा के अंतर्गत, यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता आदि दुकानें जो लगाए हुए अपने ठेले वगैरह पे, इनसे 10 रुपए प्रतिदिन का शुल्क वसूला जाता है। किस चीज का शुल्क लिया जाता है? पंचायत टैक्स है। पंचायत टैक्स है, आप ये बताओ किस चीज के? इस चीज के लिखित आदेश है क्या ऊपर से पैसे लेने? पंचायत टैक्स। पंचायत टैक्स लिया जाता है? हाँ, तो किसने आदेश किए हैं ऊपर से, किस अधिकारी द्वारा? जिस पंचायत में पंचायत की या फुटपाथ में कोई भी दुकान लगती है, हाँ, उनको पंचायत की साफ सफाई सही व्यवस्था बनाने के लिए टैक्स। नहीं तो पंचायत की तो ऐसी बात रही सर, साफ सफाई आदि व्यवस्था, ये तो जो पालिका प्रशासन होता है और कोई भी कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मी, वो तो झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई व्यवस्था, इसके लिए 10 रुपए का ये कहां से प्रावधान निकला, ये जानना चाह रहे थे। ये लोग वहां पे गंदगी नहीं फैलाते हैं क्या? नहीं, गंदगी तो फैलाते हैं, कूड़ा कचरा होता है उनका, तो उसी के लिए 10 रुपए लिए जाते हैं। बिल्कुल नहीं सर, फिर पंचायत में दुकान लगाते हैं तो उसका टैक्स लगता है? नहीं, टैक्स हमने पंचायत में बैठक करके, हाँ, और उसमें डीपीआर महोदय का आदेश लेने के बाद सिविल रजिस्टर
जारी कराते? नहीं, मेरे पास शिकायतें आ रही थी ना, शिकायतें आ रही थी लोगों की, तो इसीलिए आपसे जानकारी लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा है, अगर कोई अभी तक वहाँ पे कुछ हुआ नहीं और जब चालू किया है तो दो चार लोगों को दिक्कत है, दो चार लोग वहाँ पे दुकान लगाना भी छोड़ गए, तो शिकायत नहीं नहीं नहीं, मतलब आप ये बोल रहे हैं अभी तक कुछ हुआ नहीं, मतलब कैसा कुछ नहीं हुआ है? अभी पहले लगता है, पहले वहाँ पे लगता नहीं था, जब हमने वहाँ पे देखी भाई पंचायत के आमदनी के लिए इन लोगों से कर लगाया जाए। नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। तो सचिव को आपने सुन लिया होगा, अब आपको वीडियो से मिलवाते हैं। वीडियो ने फोन लाइन पे बात की वीडियो से, तो वीडियो ने क्या कुछ कहा है? वीडियो ने साफ तौर पे कहा है कि पूरी तरीके से अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी जांच वीडियो के द्वारा की जाएगी। वीडियो ने साफ तौर से कह दिया है कि ये जो कर है पूरी तरीके से फर्जी तरीके से वसूला जा रहा है, ऐसा कोई सरकार की तरफ से प्रावधान नहीं है कि छोटे ठेले वालों से, गरीब लोगों से, जो सब्जी विक्रेता है, तमाम ठेले वाले, उनसे इस तरीके से कोई कर वसूला जाए, वो भी ग्राम पंचायत के अंदर। सुनिए यहाँ पर वीडियो ने क्या कुछ कहा है। किस चीज के पैसे लिए जाते हैं पर डे 10 रुपए के हिसाब से? कौन कर रहा है? ग्राम प्रधान और सचिव ये ले रहे हैं पैसे? नहीं, मौके पे फोन लाइन से उनसे बात हुई तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले से हम लोगों ने मीटिंग करके ये सारा कुछ अरेंजमेंट करके और ये लेना शुरू किया है, ये ऐसा करके बोल रहे थे। नहीं, गलत बोल रहा है। सर, ऐसा कोई प्रावधान है क्या पंचायत कर के नाम से 10 रुपए वसूलने का? नहीं, पंचायत का वहाँ लगता है जहाँ पे कोई कर लगा हुआ उनका 10% पंचायत का होता है। नहीं सर, ये इसका तो कोई कर ही नहीं लगा सर, इसमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ठेले वाले सब्जी वाले जो फर सर रोड के साइड से जो जगह नहीं होती है ना, वहाँ पे अगर कोई दुकानदार दुकान लगा ले तो उसे तो हम लोग अतिक्रमण बोलते हैं। हाँ, अतिक्रमण हटाने का हक होता है शासन प्रशासन को, लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान और सचिव जो है ये लोग 10-10 रुपए प्रति व्यक्ति से पर डे के हिसाब से लेते हैं और रसीद भी देते हैं। एक व्यक्ति के पास तो सर कम से कम 250-300 तक रसीदें इकट्ठी होगी, और रसीद दिखा रहा था दुकानदार। पेट्रोल की बात कराते हैं, इस तरह से हमारी मांगे कर रहे हैं। ओके ओके सर, ओके।